आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आदित्य एल्वन से जुड़े कुछ सवाल और जवाब। सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मोशन का प्रभाव। इसरो ने कहा है कि एल बिंदु के आसपास कक्षा में रखे गए सैटेलाइट से सूर्य को बिना किसी छाया ग्रहण के लगातार देखा जा सकेगा। इसे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखा जा सकेगा। एल्वन का उपयोग करते हुए 4 पेलोड सीधे सूर्य की ओर होंगे, शेष 3 पेलोड एक पर क्षेत्र का अध्ययन करेगा। श्रीहरिकोटा से होगा आदित्य एल्वन मिशन लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से आदित्य एल्वन मिशन लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश भवन अंतरिक्ष केंद्र से यहां से होगा लाइव प्रसारण। आदित्य एल्वन को हैदराबाद के बीएमबीटल तारामंडल ने लाइव स्ट्रीम किया है। कैसे शुरू होगा क्रूज चरण? चरणबद्ध तरीके से कक्षा बदलते हुए आदित्य एल्वन को लैग्रेंज पॉइंट की तरफ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर पहुंचाया जाएगा। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद आदित्य एल्वन का क्रूज चरण शुरू होगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल, यह रॉकेट इस धरती की निचली कक्षा तक ले जाएगा। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल की सहायता से इसकी कक्षा को अधिक दीर्घोतार किया जाएगा। किस हेल्डे ने कहा कि भारत की एक बड़ी ताकत है, यह भारत को बेहद प्रतिस्पर्धी बनाना है। भारत जिस तरह सस्ते पर सफल हो रहा है, चंद्रमा पर उतरा, वह सभी के लिए सकारात्मक प्रमाण है। उन भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों के बारे में कि वे बाकी दुनिया में तुलना में बहुत कम पैसों पर कुछ भी कर सकता है और ये वास्तव में एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। किस हेडफेल्ड ने कही बड़ी ये बात? भारतीय चंद्रमा मिशन के बजट अंतरिक्ष स्टेशन पूर्व कमांडर अपोल मोल्डर्स ने क्रिस डेपल से कहा, बजट को परिप्रेक्ष्य में रखना वास्तव में महत्वपूर्ण है, इसका होगा अध्ययन। आदित्य एल्वन पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट एल्वन के पास की कक्षा के सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य एल्वन मिशन की शुरू हुई उल्टी गिनती, 2 सितंबर 2023 को उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसका प्रक्षेपण भारत के समय अनुसार सुबह 11:50 होगा। पहले सौर मिशन से मिलेगी कई महत्वपूर्ण जानकारी। देश के पहले सौर मिशन के बारे में बताते हुए इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने कहा कि इस मिशन से कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस मिशन ने सूर्य की हवा और सौर ज्वालाओं के बारे में अध्ययन करने में भी मदद मिलेगी। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक ने इस मिशन को बहुत महत्वपूर्ण करार दिया है। आदित्य एल्वन के बारे में रोचक तथ्य, आदित्य एल्वन पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर निश्चित रहेगा। यह पृथ्वी सूर्य की दूरी के लगभग 1% है। सूर्य गैस का एक विशाल गोला है और आदित्य एल्वन सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। आदित्य एल्वन न तो सूर्य पर उतरेगा और न ही सूर्य के करीब जाएगा। इसरो सन मिशन, ओजोन परत पर उड़ने वाले असर का होगा अध्ययन। आदित्य मिशन भारत का ऐसा मिशन होगा जो सूर्य के तापमान, ओजोन, भारत पर पड़ने वाले असर पर अगली किरणों का अध्ययन करेगा। ए सैटेलाइट लॉन्च के 4 माह बाद 15 लाख किलोमीटर दूर एक खास जगह लैग्रेंज पॉइंट एल्वन पर पहुंचेगा। ए मिशन मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और धरती पर सौर गतिविधियों के पड़ने वाले प्रभाव को भी जानेगा। सौर मिशन की लॉन्चिंग से पहले चेंगलामा मंदिर पहुंचे इसरो प्रमुख। आदित्य एल्वन मिशन से पहले एस सोमनाथ ने शुक्रवार सुबह सिलुरपेट्टा में श्री चेंगला परमेश्वरी मंदिर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। वैज्ञानिकों के लिए खुलेंगे संभावना के नए द्वार। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद इसरो ने अब सूरज के राज खोलने की भी तैयारी कर ली। आदित्य एल्वन अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन की तरह काम करेगा। भारत में अब तक वैज्ञानिक सूरज का अध्ययन ऑब्जर्वेटर में लगे दूरबीन के जरिए कर रहे हैं। इसके लिए कई सारी सीमाएं हैं। आदित्य एल्वन की सफलता मिशन के बाद वैज्ञानिकों संभावना के नए द्वार खुल जाएंगे। तो आज की स्टूडियो में इतना ही। अगर आप और चाहते हैं इसके मिशन बारे में तो हमें जरूर बताएं। जय हिंद।